आप बोलो जय श्री राम। मैं तो जय श्री राम क्यों, जय श्री राम। भाई साहब मैं तो खाक चैनल का कर रही हूँ मैं। दोस्तों हिंदू मुस्लिम हर तरफ आज के युवा यही कर रहे हैं, या फिर यूं कहा जाए कि आज के बेरोजगार अंधभक्त ये काम कर रहे हैं। ये सुन के आपको थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है। आज के युवा जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उसे देखकर यही लगता है। वहीं जब एक पत्रकार के साथ ये हिंदू संगठन के लोग ऐसी घटिया हरकत करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की मानसिकता कैसी होती जा रही है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं ज्योति। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप एक हिंदू हो तो क्या उसका प्रमाण देना जरूरी है? और आज के ये अंधभक्त जय श्री राम बोलने के बाद हिंदू होने का प्रमाण देंगे? एक पत्रकार जब इन अंधभक्तों के पास रिपोर्टिंग करने जाती है तो ये गुंडागर्दी करते हैं। एक महिला पत्रकार को जय श्री राम बोलने पर मजबूर करते हैं, और जब महिला पत्रकार जय श्री राम नहीं बोलती है तो कहते हैं कि तुम मुस्लिम समुदाय के लोगों का समर्थन करती हो। मतलब जो जय श्री राम नहीं बोलता है वो हिंदू नहीं है, जय श्री राम बोलने वाले ही हिंदू है, नहीं तो आपको ये अंधभक्त मुस्लिम करार कर देंगे। जिसका वीडियो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे देश के युवा आज जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोगों के हिंदू होने का प्रमाण दे रहे हैं, या फिर यूं कहा जाए कि बेरोजगार अपना टाइम पास कर रहे हैं। अगर देश के बेरोजगार नहीं होते तो शायद ये युवा ये हरकत नहीं करते। जिसके पास रोजगार है उसके पास ये सब करने का टाइम नहीं रहता है। बीजेपी सरकार ने इस देश को किस ओर ढकेल दिया, जहां पर एक हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित रहने के लिए जय श्री राम के नारे लगाने होंगे। आप पहले इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले हिंदू धर्म था, बाद में दो डंडे लगने के बाद मुसलमान हिंदू। आपके नाम पूछे ना? भाई साहब आपके मन में सवाल है, क्यों नहीं आते? आप बोलो जय श्री राम। मैं तो जय श्री राम क्यों, मैं जय श्री राम। भाई साहब मैं तो काम चैनल का कर रही हूँ, मैं किस लिए नारे लगाऊं? ठीक है, मैं काम कर रही हूँ, मैं कोई नारे लगाने नहीं आई हूँ। नारे लगा क्या, मैं हिंदू नहीं हूँ? हिंदू नहीं, जय श्री राम बोलो, जय हिंदू नहीं। ये पकड़ो, ये देखिए किस तरीके से ये लोग जो है मुझे ही मेरा काम समझा रहे हैं, क्योंकि मैं तो देखा आपने, इस पत्रकार का नाम पूजा है जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठन के लोगों से सवाल कर रही थी, तो उसको जय श्री राम बोलने पर मजबूर कर दिया गया। उसको ये गुंडे घेर लेते हैं, वो भी एक हिंदू होने के बाद भी। पत्रकार तबरीज कुश्मी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, पूजा माथुर नाम की यह पत्रकार जंतर मंतर पर रिपोर्टिंग कर रही थी, जिसको संघीय गुंडों ने जबरदस्ती जय श्री राम बोलने पर मजबूर कर दिया। पूजा कह रही थी कि मैं हिंदू होकर भी अब इस देश में सुरक्षित नहीं हूँ, दिल्ली पुलिस को चाहिए सभी के खिलाफ FIR दर्ज करो। वहीं इस वीडियो को देखने के बाद लोग FIR की मांग करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रसन्नजीत दास नाम के यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, हर तरफ से ऐसे बदतमीज लोग अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं, कभी JNU AMU और जामिया जैसे जगहों पर कुछ मीडिया वालों को गोदी मीडिया कहकर और कुछ जगहों पर ऐसे नारे लगवाकर, ये स्वीकार नहीं है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।